हाँ तो मेरे फौलादी भाइयों, स्वागत है आप लोगों का इस बल्किंग सीरीज के डे वन में। और इस वीडियो में मैं बल्किंग से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इस बल्किंग सीरीज को लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन करेंगे, स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें। और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस सीरीज़ को कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे आप बिगिनर्स हो, आप पहली बार बल्किंग कर रहे हो, या फिर आप इंटरमीडिएट हो, या फिर आप एडवांस लिफ्टर हो जो अपनी गेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को कोई भी फॉलो कर सकता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ईजिली गेन कर लेते हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है गेन करने में? तो इसका जो सीक्रेट है उनके बल्किंग के तरीके में छुपा है, और इस वीडियो में मैं इस सीक्रेट को भी रिवील करने वाला हूँ कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। बट इससे पहले आपको बल्किंग का बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। मीन व्हाट इज़ बल्किंग, आखिर बल्किंग है क्या? देखो, बल्किंग एक ऐसा फेज है जिसमें हम लोगों का मेन गोल होता है मसल गेन करना, जिसके लिए हम लोग कैलोरी सरप्लस में रहते हैं। मतलब जो भी हमारा मेंटेनेंस कैलोरी होता है, मतलब हमारी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है पूरे दिन रात में कैलोरीज का, उससे एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, जिसको हम लोग कैलोरी सरप्लस बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारे वर्कआउट को फ्यूल करने में, हमारे मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। बट ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मसल्स के साथ साथ थोड़ा फैट भी बढ़ेगा, जो कि नॉर्मल है। बट इस सीरीज में हम लोग क्लीन फूड कंज्यूम करने वाले हैं, जिससे हमारी बॉडी में कम से कम फैट बढ़ेगा, मीन कम से कम हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मसल गेन कर पाएंगे। अच्छा, आप इमेजिन करो कि आपके बाइसेप्स का साइज़ थोड़ा बढ़ गया है, आपकी एक चौड़ी बैक है, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील कर रहे हो। आप एक बार इमेजिन करके देखो, एक्साइटेड फील हो रहा है ना? इसी इमेजिनरी चीज़ को हम लोग रियल में कन्वर्ट करने वाले हैं। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपके बल्किंग के तरीके पे, आपके सही और गलत बल्किंग के तरीके पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करने वाले हो। तो इस सीरीज में मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप लोग भी साथ साथ एक प्रोफेशनल की तरह बल्क कर पाओ। और इस बल्किंग सीरीज का जो गोल है वो भी मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ। इस 100 डेज बल्किंग सीरीज में आने वाले महीनों में हम दो मेन चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला, मसल इंक्रीज करने पर, हैवी लिफ्ट करने पर और ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने पर। और दूसरा जो चीज़ है जिस पर हम लोग फोकस करेंगे, वो है अपने स्ट्रेंथ में सुधार करने पे। और ये शो ऑफ के लिए नहीं है, बल्किंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो मैं अभी जिम के लिए निकल रहा हूँ और हर वर्कआउट में हम खुद को पुश करेंगे ताकि हम एक न्यू PR को हिट कर सकें। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वैसे आप लोग को पता ही होगा कि इस बल्किंग सीरीज को साथ साथ फॉलो करने के लिए 3 स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है। पहला, कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि इस 100 डेज बल्किंग सीरीज में मैं डेली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए वर्कआउट, डाइट और बल्किंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हों। और दूसरा जो स्टेप है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का, वहाँ पर भी आप फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बल्क से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ और अपनी प्रोग्रेस को भी वहाँ पर भी शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग वहाँ पर भी फॉलो कर लो और जो भी क्वेश्चन होगा आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो, मैं आंसर जरूर करूँगा। और तीसरा जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इस पूरे सीरीज से जुड़े रहना, हर वीडियो से जुड़े रहना, हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हर क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट डे आंसर करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करोगे तो आपको कल की वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। मतलब जिस दिन भी आप कमेंट करोगे उसके नेक्स्ट डे के वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप को फॉलो करके आप लोग साथ साथ इस बल्किंग सीरीज को फॉलो करके खुद को बल्क कर सकते हो। तो अभी हम वर्कआउट के लिए निकल रहे हैं, मिलते हैं सीधे हम लोग जिम में। तो आज हम चेस्ट लगाने वाले हैं और वार्म अप कर लिए हैं, और सबसे पहले डिक्लाइन बेंच प्रेस से स्टार्ट करने वाले हैं और मीडियम है जिसे हैवीस्ट तक जाएंगे। पहला सेट लगानी है, दूसरा सेट है 100 kg, देखते हैं इसमें करीबन 7 से 8 रैप आना चाहिए। बहुत टाइम बाद लगा रहे हैं डिक्लाइन बेंच प्रेसेस, तो कोशिश करेंगे कि 8 रैप अच्छा से चला जाए। सेल्फ तो यार अनरैक हुआ कि नहीं पता नहीं, काफी टाइम के बाद फिर से कर रहे हैं। 3, 2, 1 इजी मैक्स।
One more easy. हम जा कर रहे थे इजी कर लेते, कोई बात नहीं। तो भाई ये तीसरा सेट है और ये अप्रॉक्स 145 केजी है और इसपे मिनिमम 6 रैप्स लगाना है। चलिए इसको हिट करते हैं, कम ऑन मैन, इसको करना है। बस थोड़ा सा टच रखना होगा, इजी मैक्स। 3, 2, 1 कम, वन मोर इजी। फेल है इसमें, ये फेल हो गया, एक फेल है। तो डिक्लाइन एंट्रेंस टेस्ट का हम 3 चेस्ट कंप्लीट कर लिए, लेकिन लग रहा है थोड़ा और जान बचा हुआ है। मन कर रहा है थोड़ा और हैवी लिफ्ट करने का, तो अब हम इसको बढ़ा के कर दिए हैं 167 केजी के लगभग, ये 167। देखते हैं कितना रैप निकलता है, कोशिश करेंगे एक रैप ही अच्छे से निकाले। कम ऑन मैच, इजी, अच्छे से करना है, अच्छे से, इजी इजी इजी। थोड़ा सा बोल चाहिए होगा, ठीक है ना। हर हर महादेव। 3, 2, 1 ठीक है, हल्का सपोर्ट, हाफ, बहुत हो गए। ये मेरा पीआर था बट आज नहीं लग पाया, काफी टाइम के बाद वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। कोई नहीं, नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे अगले वीक। तो अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाने वाले हैं वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसमें भी मीडियम हैवी से हम हैवीएस्ट तक जाने वाले हैं और पहला सेट में हम बहुत ज्यादा हैवी नहीं ले रहे हैं। ये अप्रॉक्स हो जाएगा 60 केजी या 65 केजी के बीच होगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका भी 3 सेट लगाते हैं। लगा दिया, कम ऑन, 1, 2 बहुत इजी नहीं लग रहा है, 3, 4, 5, 6, 7 इतना भी इजी नहीं लगा, पहले बहुत इजी लगा लेते थे, अब हैवी हो गया थोड़ा ये मेरे लिए। ये हमारा लास्ट सेट है, पहले बहुत इजीली इसको कर लेते थे, अभी तो लग रहा है कि ये भी हैवी होगा, शायद ये सही से जाए भी नहीं। बट टारगेट तो 6 मारना है, पीआर तो इससे भी ज्यादा है, बट काफी दिन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट तो इस कारण से थोड़ा हैवी लग रहा है और ये नेचुरल है, सबके साथ होता है, बट उसको अच्छे से करना है। 6 रैप तो अच्छे से जाना ही चाहिए, कम ऑन, 100 केजी इजी जाना चाहिए, अभी हैवी लग रहा है। 3, 2, 1 ठीक है सर, सॉरी जी, कितना खराब तरीके से मारे है लास्ट का एक दूर कहीं नहीं आ रहा है, पर स्टार्टिंग में अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि बहुत इजी जाएगा, बट कोई नहीं, ये पहला सेशन है चेस्ट का, अगले सेशन में हर जगह पीआर हिट करेंगे, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं। अब हम यहाँ पर बाइसेप लगा रहे हैं क्योंकि चेस्ट एंड बाइसेप था आज हमारा, तो बाइसेप में हम सुपर सेट लगाने वाले हैं, अभी वाइड ग्रिप बारबेल कर्ल और साथ में क्लोज ग्रिप बारबेल कर्ल। ये मेरा पहला सेट है, मीडियम एमिस हम स्टार्ट कर रहे हैं, लगाते हैं इसको, इजी,
Come on, Max. One. वाह बहुत अच्छा गया 25 इसमें भी थैंक यू वहीं पे कर ले यहीं पे और साथ में सुपर सेट लगा है विदाउट रेस्ट कम ऑन क्लोज ग्रिप Come on. 6. Oh. Wow, अच्छा गया. Sorry, मैं आप लोगों को अपना पूरा वर्कआउट नहीं दिखा पाया. Actually, मेरा माइक ही बंद हो गया था. मुझे लगा ये डिस्चार्ज हो गया है. बट घर पर आके जब मैंने इसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि इसके बैटरी का एक तार छूट गया है, जिसके कारण ये काम करना बंद कर दिया था. पिछली बार भी ये हुआ था, मैंने इसको सोल्डिंग करा दिया था जिसके कारण ये वर्क करने लगा था, लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण वहाँ पर फिर प्रॉपर पूरा शूट नहीं कर पाए. कोई नहीं, नेक्स्ट सेशन में जो वर्कआउट करेंगे वो प्रॉपर आप लोग देख लेंगे. इस एपिसोड में हम लोग यहीं तक रखते हैं ये वीडियो. मिलते हैं कल के एपिसोड में, डे 2 में.